ये ट्रेनिंग कराते हैं, जो भी कोर्सेज आते हैं, सब ऑफिसर कोर्स आते हैं, और किसी भी प्रकार की फायर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं या किसी भी तरह की ट्रेनिंग देनी होती है तो हम ही कराते हैं यहाँ पे। ये दिल्ली फायर सर्विस का एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे ड्यूटी रजिस्टर होता है जिसमें हमारी ड्यूटी लगी होती है, हमारे को जॉब स्पेसिफाई की जाती है, आज आपको ये जॉब करनी है। तो हमारी वायरलेस पे भी आ जाती है ड्यूटी, फायर ऑपरेटर को एक एडेप्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है दिल्ली फायर सर्विस में, उसको वायरलेस पे भी ड्यूटी लगानी पड़ती है, फायर कॉल भी अटेंड करनी पड़ती है, ट्रेनिंग भी करानी पड़ती है, सभी कॉल हैं। तो यहाँ का काफ़ी एक्टिक शेड्यूल है। दिल्ली फायर सर्विस की सबसे बड़ी परेशानी उसका मैन पावर की कमी और गाड़ियों का मेंटेनेंस है। वैसे स्टाफ शॉर्टेज बहुत है, जैसे हमारे को यहाँ 10 साल पहले भी वही टोटल स्ट्रेंथ थी 2000 के दो अंडर में या 2000 के आसपास, और तब 35 या ऐसे स्टेशन रहे होंगे, और अब 56 स्टेशन है, तब भी वही 2000 के अंडर में स्ट्रेंथ है। यस, इट इज़ ट्रू, स्टाफ इज शॉर्टेज, क्योंकि जब हम फायर कॉल्स में जाते हैं हमारे पास टर्नआउट्स, नंबर ऑफ टर्नआउट्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे एज पर जो रूल है एक व्हीकल में 6% होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम हम 6% नहीं रख पाते हैं, 3 and 4% होते हैं। इस तरह से स्टाफ शॉर्ट है डेफिनेटली। क्राइटेरिया कुछ हार्ड कर रखा है मैडम, जो हमारा फायर का है इसमें कंपलसरी कर दिया हैवी लाइसेंस, अगर अलग से फायर के लिए ड्राइवर अलग से लिए जाएं और फायरमैन अलग से लिए जाएं तो हो सकता है ये कमी जल्दी पूरी हो जाए। या दिस इज ट्रू दैट वी हैव से 40% शॉर्टफॉल एज ऑन डेट, द पोस्ट आर बीइंग एडवर्टाइज्ड, वी आर नॉट गेटिंग द कैंडिडेट्स। इट्स नॉट ओनली रिक्रूटिंग अ पर्सन, वी डोंट वॉन्ट अ मैन ओनली, वॉट वी वॉन्ट अ मैन विद दैट क्वालिटी। He should have those basic qualifications, he should have that aptitude, he should have that health standards. So unless he has, say, he meets all those requirements, we cannot induct him into the fire service. Delhi Fire Service ke paas is waqt 123 fire trucks, 3 aerial ladders, 8 hydraulic platforms aur 3 rescue responders hain. Jo aapke samne jo vehicle hai, ye hum isko bolte hain water bowser. Iski capacity jo है वो 12,000 लीटर की है, और इसमें हम बड़ी जो फायर होती हैं उन पे ज़्यादा यूज करते हैं, और छोटी फायर के लिए हमारे पास जो छोटी गाड़ियां हैं और कंजेस्टेड जो गलियां हैं उन पे छोटी गाड़ियां ही भेजते हैं। इसमें पीछे पंप लगा हुआ है, उसके हम और लगा कर, और उनकी लेंथ होती है 100 मीटर तक, जो है पंप की कैपेसिटी है, एक मिनट में 1800 लीटर पानी ये फायर पे फेंक सकता। इसमें कटिंग टूल होते हैं नॉर्मल जो हैं, जैसे लो कटर हो गया हमारे पास, और बीए सेट होते हैं, अगर स्मोक ज्यादा हो तो अपना बीए सेट पहन। ये जिस पे आप अभी खड़े हैं, दिस इज 44 मीटर्स रीच, वर्टिकल 44 मीटर्स तक ये ऊपर जा सकती है, और इसके अलावा वी हैव 42 मीटर्स, 70 मीटर्स, 30 मीटर्स, और एक और है प्रेजेंट इट इज़ आउट ऑफ कमीशन। जो भी अपर फ्लोर फायर होते हैं वो जहाँ पे आप एक्सेस नहीं कर सकते इतना इजीली, एक्सेस बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है, और फायर फाइटिंग के लिए तो डायरेक्टली यूज़ होता है, रेस्क्यू में खैर इसका कोई जवाब नहीं। इट्स अ वेरी गुड व्हीकल। हाल ही में फिल्माए जा रहे एक इंटरव्यू के वक्त हमें एक लाइव आग की घटना को कवर करने का मौका मिला। इमरजेंसी के वक्त फायर सर्विस ट्रैफिक नियमों से बंधी नहीं होती हैं। Thank you.
एक्चुअली हमारे ठीक पीछे देर इज रेलवे लाइन स्टेशन से थोड़ी दूरी पे, और उसके पीछे पूरा पुरानी दिल्ली का इलाका पड़ता है। दैट एरिया इज़ नॉट वेल प्लान्ड और वहाँ पे वेस्ट फर्नीचर वेस्ट की एक बहुत बड़ी मार्केट है एंड इट इज़ फुली लोडेड। इट इज़ ऑलवेज अ रिस्क जोन फॉर अस बिकॉज देर इज़ नो सिस्टमेटिक पाइलिंग, नथिंग इज़ देयर, नो बैरियर्स। सो वंस फायर स्टार्ट्स एट एन एंड इट विल travel at a very fast rate to the other end also, and it will involve a lot of combustible. हाँ, धुआं तो काफी जाता है आँखों में, लेकिन goggles तो मिलते तो है नहीं अभी government की तरफ से। बाकी देशों में तो suit भी ऐसे ऐसे मतलब अच्छी quality के होते हैं कि अगर एक बार आग के अंदर भी घुस जाए तो मतलब उसका effect नहीं होता आग का। अपने यहाँ तो यही normal, यही cotton का कपड़ा है, उसकी डांगरी बनी हुई है और वही पहन के फायर फाइटिंग करते हैं। सुविधाओं की तो खासी कमी है दिल्ली फायर सर्विस में। वैसे गॉगल्स वगैरह भी नहीं मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के हेलमेट जिसमें टॉर्च वॉर्च लगी हो वो सब सुविधाएं नहीं मिलती है। मेंटेनेंस ये अच्छी तरह से नहीं हो पाती, जितने ऑलरेडी हैं उनके भी उनमें 50% व्हीकल्स खराब है हमारे। दुर्घटनाओं की एक वजह फायर ट्रक्स का लो मेंटेनेंस है, GPS की कमी और पुराने ट्रक्स फायर फाइटिंग के काम में बाधा पैदा करती हैं। Fire broke out at a plastic factory in Narela in the national capital and 30 fire tenders have been rushed to the spot. Basically it was a 3-story building and it was a factory. Thermocol के और plastic के cups, plates ये सब चीजें बनती थी। जब फायर सर्विस वहां पहुंची तो all 3 floors were burning. इस फैक्ट्री के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इट वाज नॉट ओपन ऑन 3 साइड्स, तीनों साइड में ही उसके बिल्डिंग थी, तो हीट को वेंटिलेट होने का कोई जगह नहीं था, मतलब बिल्डिंग से बाहर स्केप नहीं कर रही थी। तो बिल्डिंग के अंदर रहने के वजह से इट वाज एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग। नाउ जब ये लोग घुसे तो फ्रंट पार्ट वॉज नॉट दैट मच अफेक्टेड, लेकिन रियर पार्ट जो था वो बहुत बुरी तरह पूरा भट्टी बन चुका था। वो अप टू 15 फीट्स, 15 और 20 फीट्स इट वॉज इंटैक्ट, और उसके आगे